तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा, ये कोई किसी इंडिविजुअल, चाहे वो महमूद प्राचा हो या कोई भी हो, किसी की हैसियत और औकात है कि वो ऐसा कारनामा, तो ये ऊपर से ही हो रहा है ना सब। तो बिल्कुल अब मैं सिंपल मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क में जो सेंसस के हिसाब से, हम दूसरी चीजों में नहीं जाते, 15% के करीब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, और माइनॉरिटीज को मिलाया जाए तो करीब 20% बनते हैं क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध वगैरह के मिला, करीब 20% हम लोग बनते हैं। उसके अलावा 17% है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, 20 + 17 = 37। उसके अलावा 8 से 9% है ट्राइबल लोग, 37 और 8 एट हो गए 45। फोर्टी फाइव तो हमें किस बात का डायरेक्ट परेशानी? बिल्कुल उसके अलावा सोचिए आप, जो ओबीसी है वो है करीब 40%, तो हम लोग 85% से ज्यादा हैं जो मुस्तजफीन है, जो अम्बेडकरवादी है। लेकिन ये हमारा नाजायज, जो ये मनुवादी है, वो हम सब लोगों को बेवकूफ बना के हमें आपस में लड़वा के राज कर रहे हैं। तो अगर ये 45% अगर शुरुआत करेंगे, तो जो हमारे ओबीसी भाई हैं उनके साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन बहुत उनके साथ इतना खुला नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी रिजर्वेशन छीन ली गई है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है,